नहीं मैं पागल आ गई। आज छात्र बना रहे हैं आलू बैंगन और मैं साग बना रहे हैं, थोड़ा सा तड़का लगाना है उसको तड़का लगाती हूँ और मेरे साथ रहिएगा। देखिए भाई सबसे बना सबके पास बना देती हूँ। ये कुकुर की आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चमका रहा है हमारा कुकुर जो है और नासिर भी अपना किचन जो है समेट रहे हैं। ये है नासिर, ये सिर्फ नासिर है और ये है मेरा लहसुन जो मेरे लिए छील रहा है और ये है कढ़ाई, ये है कुकर जिसको प्रेशर लगा हुआ है और यहाँ पे नासिर के पड़े हुए हैं बर्तन, देखेंगे बेसन जो है दोनों भरे पड़े हैं और पानी जो है बहुत गर्म आ चुका है। तो देखो माशाल्लाह बहुत गर्म गर्म पानी आया है, मज़ा आता है गर्म पानी में और लड़का बंद कर देती हूँ ताकि रह ना हो। मैं बना रही हूँ पालक है, क्या है साग, ये बड़ा है इसको मैंने लगाना पड़ेगा। ये देखें जी नासिर के गोश्त को जो है प्रेशर लग चुका है और कर लेती हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को पूरा तो पूरा नज़र आए। गोश्त तकरीबन गल चुका है और पानी जो है ये थोड़ा सा खुश हो जाए उसके बाद ऑयल डलेगा। ऑयल डाल चुका है, डाल चुका है ना, दर्द नहीं आ रहा। ये ऑयल भुनने का तो आएगा ना, ऑयल का ही है पानी और ऑयल। अच्छा ऑयल कह रहे हैं डाल चुका है, नमक मिर्च सब कुछ डलेगा फिर उसके बाद बैंगन। ये देखें जी बैंगन डाल दिए, ये है अभी ये सब इसका कलर, बैंगन डाले हैं और बैंगन गोश्त बन रहा है। पूरी मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं इधर उधर चले जाती थी तो नासिर जो है वो अपना काम कर लेते थे। ये देखें व्यूअर्स ये भून चुके हैं अभी अच्छे से, अब नासिर ने पानी डालना है इसमें, ये डाल रहा है पानी बस इतनी सा पानी की छोड़ना है ना, 5 मिनट तक प्रेशर देंगे ना ब्रेक तो कट्टे होंगे। अच्छा अब इनको भी प्रेशर लगेगा 5 मिनट का जिसमें ये गल जाएंगे अच्छे से क्योंकि ये बिल्कुल भुजिया जो है ना भुजिया सी बन जाएगी, ऐसे है ना भुजिया बनेगी इनकी और ये वाइट राइस के साथ खाए जाएंगे। ये देखें जी प्रेशर लग चुका है और बैंगन जो है बिल्कुल ये देखें जी भत्ता बन चुका है और अभी इसको भूनना है अच्छे से भूनेंगे उसके बाद जो है ये सारा जो है ना इसके जो आ रहे हैं पीस ये घुल जाएंगे बिल्कुल भुजिया सी बन जाएगी। पानी खुश करके ये ऑटोमेटिक घुल जाएगा, घुल जाएंगे खुद ही कह रहे हैं फूल से घुल जाएंगे, जैसे जैसे घूमते जाएंगे ना वैसे वैसे घुलता जाएगा क्योंकि दो ही लगनी है तो साथ साथ वो भी ये दो ही इस्तेमाल होती है इसमें चमचा नहीं चमचा भी कर सकते हैं। अगर इसको पीसना है मसाला घोलना है तो ये दो ही इस्तेमाल होगी, चमचे से नहीं घोलता कोई चीज भी, स्टील वाले चमचे से भी हो जाता जी। तो विवाह ये देखें जी सालन जो है अच्छे से रेडी हो गया, ऑयल आ गया ऊपर और अभी ये अच्छे से भून चुका है ये देखें जी और अब इसकी आंच जो है वो बंद कर देते हैं चूल्हा ताकि ये नीचे से लग ना जाए, एक बार हिला भी देती हूँ। ये देखें कितनी मज़े का यम्मी सा है बैंगन गोश्त की भुजिया, गोश्त तो खड़ा खड़ा होता है लेकिन पे ये देखें ये बोटी है और ये बैंगन है। ये देखें जी बिल्कुल रेडी हो गया है, ऑयल आ गया ऊपर अब ये बिल्कुल ही रेडी है।
आप लोगों को बाहर का थोड़ा सा सीन दिखाती हूँ। आज धूप निकली हुई है, ये देखें जी बाहर का सीन है ये। और गाड़ियाँ वगैरह हमारी जो हैं घर खड़ी हुई हैं, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं आज। तो ये है गली और ये बच्चों की साइकिलें खड़ी हैं, ये मेरे बेटे की साइकिल है और उधर पीछे है गैराज में है छोटी की साइकिल। आज जो है मौसम बहुत अच्छा है, ये देखें ये सूरज है आम के बीच में, ये सूरज आ रहा है सामने, ये देखें जी बहुत अच्छा है। आज धूप वगैरह निकली हुई है, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है। और ये पीछे कपड़े धोए हैं पहले, थोड़ी देर पहले मैंने, वो सूख रहे हैं। और तौलिया भी डाले थे बाहर, वो भी सूख चुके होंगे, धूप लग चुकी है। तो अब इनको भी अंदर करती हूँ, रख देती हूँ ये तौलिया, ये और ये सारे कपड़े धोए हैं। अब इधर से दिखाती हूँ आप लोगों को सूरज, ये आम है सामने और इसके बीच में खड़ा है, ये देखें अब आ रहा है, मेरी आंखों में चुभ रहा है, ये देखें जी ये है सूरज जी। तो व्यूअर्स बस आज के लिए इतनी था, उम्मीद करूँगी कि हमारी वीडियो जो है आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह कल मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफिज़।